नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच 15 मिनट तक हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के इंटरनल सर्वे से अध्यक्ष पद का रास्ता निकलेगा। 4 से ज्यादा नामों पर पीसीसी चीफ को लेकर चर्चा अब तक हो चुकी है। बहुत जल्द हरियाणा में संगठन और पीसीसी चीफ के नाम का ऐलान होने की संभावना है। तो प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बड़ी बात है कि कई दौर की जो चर्चा है वो हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और खबरें ये भी सामने आ रही कि जल्द नए नाम का ऐलान हो सकता है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद, राज्यों के प्रभारी और महासचिव, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और वरिष्ठ नेता इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में करीब 400 नेता हिस्सा लेने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से हार के कारण जानने की कोशिश की जाएगी। साथ ही कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए गठबंधन की नई सियासत शुरू करने पर भी चर्चा हो सकेगी। वही कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने चिंतन शिविर में कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन किया जाएगा और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजस्थान में मई 13 और मई 14 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों पर जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, पिछड़े भाई बहन हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, किसान व खेत मजदूर हो, युवा और विद्यार्थी हो, इन सब के सामने, इन सब के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, ये नव संकल्प शिविर इन सारे मुद्दों पर गहनता से चिंतन विचार करेगा। इसके साथ साथ संगठन को किस प्रकार से और मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, राजनीतिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन सब पर भी ये चिंतन शिविर गहन मंथन करेगा। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्णय लिया है कि भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन कर दिया जाएगा। चिंतन शिविर के अंदर, नव संकल्प शिविर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2024 की लोकसभा के अंदर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और बॉक्सर और कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी युद्ध के लिए बहुत काम कर रही हैं।
उनके सकारात्मक सोच हमें नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले विश्वेंद्र सिंह की आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियाओं को चेतावनी दी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से खनन या माइनिंग होती हुई पाई गई तो क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में पलवल के एक दो गांव में वन क्षेत्र को काटकर यमुना तक अवैध रूप से रास्ता बनाकर खनन करने का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने पलवल के डीसी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी कोई अवैध रूप से खनन करता है या कोई भी गैरकानूनी तरीके से कार्यकर्ता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पलवल में बहुत लंबे समय के बाद माइनिंग की ऑप्शन नहीं हो पाई और वहां कुछ साथी ऐसे हैं जो अवैध माइनिंग खिलाफ हमने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है और ऐसे लोगों के साथ आई टी रेवाड़ी जो रेंज है उनके दस्ता में रात को मेरे छापा भी लगवाया था। मुझे जानकारी है दो तीन गांव ऐसे हैं जो खनन करते हैं, जब पुलिस जाती है तो पथराव करते हैं या गांवों से रास्ते हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि वो फॉरेस्ट के जंगल जो फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट के एरिया को भी साफ कर दिया गया और फॉरेस्ट के अधिकारी से मैंने कहा था भाई आपने खिलाफ कार्रवाई करिए। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गर्मी ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, गर्मी बढ़ने से खपत बढ़ी है। वही विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि समस्या कम है, दुष्प्रचार ज्यादा है। अब के थोड़ा ये हुआ कि एक तो गर्मी पहले से ज़्यादा, ये 15% 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दूसरा हम दिल्ली के चारों तरफ हैं तो दिल्ली से जितनी इंडस्ट्री बाहर आ रही है सारा लोड हरियाणा में आ रहा है, एनसीआर में। दिल्ली से जो रेजिडेंशियल एरिया शिफ्ट हो रहा है फरीदाबाद गुड़गांव और ये आपका सोनीपत में जो चारों तरफ बढ़ रहा है जो ग्रुप हाउसिंग, उनमें सब वो हाउसेज वो हैं जिनमें सब में एसी लगे हैं तो पावर कंजम्पशन हमारी 1500 मेगावाट बढ़ गई जो पहले से ज़्यादा एकदम। तो ये सब जगह थोड़ा थोड़ा हुआ है, इतना नहीं है जितना प्रचार है। हाँ कभी 20 मिनट का कभी 30 मिनट का ऐसे कट लग रहे हैं। और दूसरा जो प्रचार ज़्यादा था वो इस बात से था कि खेतों में जो था अब तक सारी गेहूं तैयार थी उसमें सारा बारूद होता है तो उन दिनों में रेगुलर पिछले 15 साल से ये जब ये महीना होता है जब फसल कटती है तब तक हम बंद रखते हैं तो वो प्रचार था। वो गाँव में बिजली बंद रहती थी, गाँव के लोग ही कहते थे जिसे बंद करके रखो, इस करके भी ये प्रचार ज्यादा तुल पकड़ रहा था। और भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के मौके पर फरीदाबाद में कृषि मंत्री जेपी दलाल बधाई देने पहुंचे और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में उठान की समस्या नहीं है, साथ ही कहा कि किसानों को मंडी से बाहर फसल का अच्छा दाम मिल रहा है इसीलिए किसान मंडियों में फसल नहीं ला रहे हैं। 400 मंडियों में से एक दो मंडी में समस्या थी, सारी मंडियाँ आमतौर पर धान हो चुका है, खाली हो चुका है, अराइवल भी कम हो गई है, पेमेंट हम साथ साथ कर रहे हैं और किसान खुश है। किसान को इस बार ऑल टाइम हाई भाव हर चीज़ का मिल रहा है, कपास का भाव 12,000-11,000 रुपये है, सरसों का भाव 6,000-7,000 रुपये है, धान का भाव 4,800 रुपये है, जौ का भाव 3,000 रुपये के आसपास है, गेहूँ भी MSP से ऊपर बिक रहा है। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते पूरी पूरी खुशी है किसानों के पास ज़्यादा पैसा है। आगे चेक करवाता हूँ, किसी भी किसान की पेमेंट 12 घंटे में नहीं आएगी तो उसको ब्याज डलवाऊँगा और जाके सब्जी करूँगा। हरियाणा में पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी की समस्या अब गहराती जा रही है। कई जिलों में सूखा चारा यानी तूड़ी की किल्लत है जिसको देखते हुए लूड़ी बाहर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस प्रतिबंध को हटाने की अब मांग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा में चारे का संकट, दूसरे जिले में तूड़ी भेजने पर लगी रोक, रोक पर शुरू हो गया विरोध। हरियाणा में सूखे चारे यानी तूड़ी को लेकर संकट बना हुआ है। मौसम की मार की वजह से जहां फसलों को नुकसान हुआ तो वहीं चारे का भी संकट छाया हुआ है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहर तूड़ी भेजने पर रोक लगा दी है। यही रोक अब जिला प्रशासन के लिए मुसीबत बन गई है। प्रतिबंध लगाने पर विरोध शुरू हो गया है। सिरसा में राजस्थान के गौ संचालक और किसान लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बॉर्डर को खोलने और धारा 144 को हटाने की मांग उठाई है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर धारा 144 नहीं हटी तो बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम यही निवेदन करने आए हैं कि तूड़ी तो हरियाणा और राजस्थान में ही होती है, ये सीमा खोलने का आदेश कराने के लिए हम आए हैं। नहीं है इसमें कुछ तो मेरे को लगता है कुछ और माफिया लोग घुस गए। इतनी तूड़ी की कमी नहीं है, तूड़ी उतनी है, वो ही भाव है, लेकिन लोग 1 रुपए का 3 रुपए कर रहे हैं। जितना थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान का है तो अवश्य आपको तूड़ी के लिए ये सड़कें खोलनी पड़ेगी, नहीं बड़ा आंदोलन हो सकता है। नहीं, हरियाणा में दिक्कत तो तूड़ी देखो कम हुई है तो कम कोई चीज होगी, दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो सरकार ने तूड़ी की फरमान जारी की है ना, तूड़ी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं राजस्थान के लोग और यहाँ खेती भी करते हैं, वो खेती करने वाले तो तूड़ी यहाँ से ले जाएंगे। पंजाब में खेती करते हैं, सबसे ज्यादा तूड़ी पंजाब की जाती है और वाया सरसा और फतेहाबाद जाती है, और पंजाब वाली तूड़ी भी रुकती वहाँ गौशाला में भी तूड़ी जानी चाहिए, आम किसान के पास भी तूड़ी जानी चाहिए। आम किसान के 2 लाख का पशु है तो पशु छोड़ देगा क्या, संगल निकाल देगा उसकी, तो लोग तूड़ी खरीद के ले जा रहे हैं, उसकी तूड़ी जानी चाहिए। तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने भी सीएम मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी और सूखे चारे को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की रोक हटवाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि महेंद्रगढ़ में गेहूं की फसल कम होने की वजह से तूड़ी की भारी कमी है, चारा नहीं मिलने से गौशाला में गौवंश का जीवन खतरे में है। प्रतिबंध लगाने के बाद तूड़ी के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। रेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले गौशाला प्रबंधकों को जहां 500 रुपए में तूड़ी मिल जा रही थी तो वहीं अब उसके दाम बढ़कर 650 तक पहुंच गए हैं। अब जिन किसानों ने तूड़ी का स्टॉक कर रखा है उन्होंने तूड़ी बेचनी ही बंद कर दी है। गेहूं कढ़ाई के बाद तूड़ी बनाने का काम पूरा हो गया है। लगातार तूड़ी के रेट बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार से खाली पड़े पदों पर भर्ती की अपील की है ताकि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं के रोजगार की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 30,000 से ज्यादा पद जो है ना खाली पड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग में 17,000 से ज्यादा पद जो है ना खाली पड़े हैं, हरियाणा पुलिस में 20,000 के 21,000 के करीब जो है ना ऑन रिकॉर्ड उनके पद खाली पड़े हैं, इसी प्रकार के सभी विभागों के अंदर जो है ना अनेकों पद जो है खाली पड़े हैं, जो लाखों से ज्यादा नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जा सकती है। और केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये सीएम मनोहर लाल का जिला है, प्रदेश में और करनाल में विकास गति से हो रहा है, स्वच्छता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वही रामदास अठावले ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लैप्स हो चुकी है, उद्धव ठाकरे सरकार को शांति रखने में असफलता मिल रही है, हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के सामने करने का छोटा आंदोलन था, उनको राष्ट्रद्रोह का केस बनाकर किया, वहां पर शिवसेना के ज्यादा लोग थे, पुलिस ने उनको इधर उधर करना था। और वही सोनीपत में दृष्टिबाधित शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस स्टेशनों में परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो बड़ी आसानी से पुलिस स्टेशन की लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उसके आधार पर बनाई गई ब्लाइंड स्ट्रीट से या अपनी जरूरत वाले कच्छ तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए सभी थानों में ब्लाइंड लोकेटर सिस्टम और ब्लाइंड स्ट्रीट का निर्माण भी किया जाएगा। अब थानों में नहीं होगी दृष्टिबाधितों को परेशानी, पुलिस ने बना दी ब्लाइंड स्ट्रीट, ब्लाइंड लोकेटर बनेगा सहारा।
ब्रेन लिपि में लिखे गए जरूरी संदेश। दृष्टि बाधितों को अब पुलिस स्टेशनों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिकायत के लिए अगर दृष्टि बाधित थाने पहुंचेंगे तो उन्हें आसानी से सारी जानकारी मिल जाएगी। आसानी से वो अब लोकेशन जान सकेंगे। पुलिस स्टेशन में ब्लाइंड स्ट्रीट और ब्लाइंड लोकेटर बनाए गए हैं। थानों में ब्लाइंड लोकेटर सिस्टम और ब्लाइंड स्ट्रीट का निर्माण कर दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ब्रेन लिपि में जरूरी संदेश लिखे गए हैं। थाना भवनों के प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है। इन मशीनों में पूरे थाने का मैप बना है। मैप की लोकेशन ब्रेन लिपि में लिखी गई है, जिसको दृष्टि बाधित व्यक्ति पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हैं। स्विच दबाते ही जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ ही भवन के अन्य जगहों पर जाने के लिए रास्ते का पता चल जाएगा। सदर थाने में इसकी शुरुआत हो गई है। अब ज्यादातर थानों में ये सिस्टम लगा दिए गए हैं। अप्रैल महीने के आखिर तक प्रदेश के सभी थानों में ब्लाइंड लोकेटर सिस्टम लगा दिए जाएंगे। इसके लिए चंडीगढ़ की आईटी टीम काम कर रही है। पीएचक्यू की तरफ से ही अच्छी पहल है कि हर थाने में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक डिवाइस लगाया जा रहा है, जो कि उनके एंटर करने के बाद थाने में उनको पता लोकेशन पता करनी हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है थाने में, तो उसके लिए एक अच्छा डिवाइस है जिसको टच करने से वो फील कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। रास्ता उनको उसके थ्रू गाइड किया जा सकता है। बहरहाल सभी थानों में अलग अलग व्यवस्था होती है। SHO और IU के बैठने के कक्ष की लोकेशन अलग होती है। इसके साथ ही पानी पीने और अन्य जरूरतों वाली जगह भी अलग अलग लोकेशन पर होती है। ऐसे में थानों में पहुंचने वाले दृष्टि बाधितों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके साथ आए व्यक्ति को भी कई बार थानों की स्थिति की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब दृष्टि बाधितों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनीपत से राम कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और सिरसा में BPL कार्ड बनाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां कार्यालय के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। एक तरफ काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आई तो वही दूसरी ओर लंबी कतारों में पुरुष भी खड़े नजर आए। वह लोगों का यह कहना है कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज आया है कि उनका BPL कार्ड बन गया है, जिसे लेने के लिए वह विभाग के ऑफिस में पहुंचे। बताया जा रहा है कि BPL कार्ड के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। वही लोगों का ये कहना है कि इतनी गर्मी और भीड़ होने के बावजूद भी यहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था। और इसी के साथ हरियाणा विशेष भी मेरे साथ, बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।